देखो, हमारा सेक्शन कैपिटल गेन का है एक, और कैपिटल गेन का जो सेक्शन है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और सेक्शन नंबर है 55। इस वाले कॉन्सेप्ट में कैपिटल गेन के अंदर ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीद किसको माने, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट हम जब कोई भी कभी भी कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है खरीदने के पर्पस से, एक 2001-2 से पहले और एक 2001-2 के बाद, दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उस दो हिस्सों में बांटने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा इंडेक्सेशन नहीं था, पहले हुआ करता था लेकिन टाइम टू टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो भी इंडिया के हैं वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट जो भी हमारा दे रखा है इंडेक्सेशन। तो उसी से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो देखो, हमारे पास जो एसेट्स है वो या तो इंटेंजिबल एसेट्स होगा, या तो शेयर्स होगा, या फिर अदर एसेट्स होगा। अगर मैं एक तो क्या क्या, तीन मैंने पॉइंट बताया, एक तो क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स, और एक क्या होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में शेयर्स डिबेंचर और अदर एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट क्या होता है? जब कोई किराएदार मकान में 30, 40, 50 साल अगर रह लेता है किसी भी मकान में, तो वो मकान खाली करने के मकान मालिक से पैसे लेता है, बोलता है इतनी जल्दी नहीं तो हम खाली नहीं करेंगे, तो मकान मालिक उसको कुछ अमाउंट पेड करता है, तो उसका राइट था कि वो मकान को अभी खाली ना करे, तो उसको बोलते हैं टेनेंसी राइट। ये भी इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। रूट परमिट, आपको परमिशन दिया गया कि आप इस रूट पे आप बस को या फिर कोई चीज ड्राइव करोगे, बस ड्राइव करोगे सपोज, तो उस रूट पे और कोई नहीं कर सकता अगर आपको मिल गया है तो ऐसे सिचुएशन में वो रूट परमिट भी आप बेच देते हो, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स माना जाएगा। लूमार्स, लूमार्स क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरा ये इंस्टीट्यूट दोपहर के एक दो दो घंटे खाली रहता है दिन में, और एक दो खाली रहता है लेकिन किराया तो मैं पूरे 24 घंटे का ही दे रहा हूं। मैंने क्या करा, किसी से टाई अप कर लिया एक से, और मैंने बोला आप 2 घंटे के लिए डेली मेरे इस प्रेमिसेस, मेरे एसेट्स को यूज कर सकते हो, उसके बदले मैं 1,000 रुपए लूंगा आपसे एक दिन के। उसने बोला ठीक है, एग्री है। तो ये क्या हो गया हमारा लूम आर्स, वो आर्स जो मेरे लिए वेस्ट है लेकिन फिर भी मैंने उसको क्या करा, बेच दिया उस आर को, तो उसे क्या बोलेंगे, लूम आर्स। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जनरली जानते हो आपके बुक्स वगैरह पे भी ट्रेडमार्क गिवन रहता है, जैसे आपका हो गया एडिडास, नाइकी, रिबॉक, स्पोर्ट्स में भी देखा होगा। ब्रांड नेम, एक ब्रांड इमेज होता है हर किसी का, जिसे गुडविल के नाम से जानते हैं। ब्रांड नेम का मतलब यहाँ पे क्या है, गुडविल। तो गुडविल भी हमारा है। ये सारे मैंने किसके एग्जाम्पल दिए आपको, इंटेंजिबल एसेट्स। तो हम अभी जो करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स का देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन का मतलब खरीदना, एक्विजिशन का मतलब क्या है हमारा, खरीदना यानी परचेज करना। तो किसी भी एसेट्स को जब कैपिटल एसेट्स को खरीदेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो बता रहा हूं मैं। जो हमारा लूम आर्स है या टेनेंसी राइट है या ट्रेडमार्क है या ब्रांड नेम है, इसको कभी जनरली ज्यादातर बिजनेसमैन खरीदते नहीं है, क्योंकि अगर मैं गुडविल की बात करूं तो जितने टाइम से मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता टीच करता रहूंगा, और टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता रहेगा, टाइम स्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिकली एक मेरा ब्रांड इमेज यानी गुडविल बन जाएगा, तो उसके लिए मैंने बनाने के लिए किसी को पेमेंट नहीं किया। सेम ऐसे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मैंने एक डिजाइन करा, डिजाइन करने के बाद धीरे धीरे लोग लोग जानने लगे, जानने के बाद एक ऐसा लोगों के माइंड में पिक्चर क्रिएट हो गया जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने उसके लिए किसी को क्या पेमेंट दिया, नहीं दिया।
लू मार्स के लिए मैं किसी को पेमेंट नहीं दे रहा हूं, पूरे प्रेमिसेस के लिए है वो तो। रूट परमिट, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे रूट परमिट देती है। चलो आपने अभी तक कोई भी, मान लो अगर मैं ड्राइवर का बस का लेता हूं, तो अगर ड्राइवर है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइक कभी एक्सीडेंट नहीं किया, कोई उसने रेड लाइट ब्रेक नहीं किया, यानी कुछ भी ऐसा नहीं करा पनिशेबल वर्क, तो गवर्नमेंट ने बोला आपने काम ठीक किया तो आपको दे दिया जाता है फ्री में। टेनेंसी राइट, मैं मकान में रहता गया 20 साल हो गए रहते हुए, फिर मैं मकान मालिक से बोलता हूँ पहले मुझे पैसे दो फिर खाली करूंगा, तो क्या मैंने खरीदा टेनेंसी राइट को? नहीं। तो नॉर्मली सेल्फ जनरेटेड एसेट, सेल्फ जनरेटेड का मतलब ये हमने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, ये खुद ब खुद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो हम इसको कई बार बेच देते हैं, तो बेचने के बाद पैसा तो मिलता है। कैपिटल गेन निकालने का सिंपल सा फंडा है कि कैपिटल गेन में हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं बात क्या कर रहा हूं कि कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता है, मैंने गुडविल 2 लाख रुपए का बेच दिया, लेकिन खरीदा कितना था उसका कॉस्ट तो पता करना है, जबकि गुडविल मैंने कभी खरीदा नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हुआ तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा मानेंगे निल, जीरो। लेकिन मान लो मैंने तो नहीं खरीदा, लेकिन आप चाहते हो कि एक ब्रांच और ओपन करना, मुझसे परमिशन लेते हो, मैंने अपने गुडविल बेच दिया, तो जब आप आगे फिर फर्दर बेचोगे उसको जाके, जिसे फ्रेंचाइजी का नाम देते हैं, उसे फर्दर बेचोगे तो आप उससे पेमेंट लोगे। तो आपने क्योंकि खरीदा था ये गुडविल का ब्रांड नेम, इसलिए आपके कॉस्ट इन केस ऑफ एक्वायर, अगर खरीदोगे देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंसीडर, कितने अमाउंट का, जितना अमाउंट आपने पेड किया। सपोज करो मैंने आपसे 1 लाख रुपए रिसीव किया अपने नेम के बदले, आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा कि आपने फर्दर वो 1.5 लाख का किसी को बेच दिया, तो मेरे लिए पता है कैपिटल गेन कितना होगा, पूरे के पूरे 1 लाख, क्योंकि मैंने तो कमाया था फ्री में और 1 लाख आ गए। लेकिन आपके लिए कैपिटल गेन कितना माना जाएगा, 50,000 रुपए। कैसे? क्योंकि आपने खरीदा मेरे से था 1 लाख रुपए में और आगे बेच दिया 1.5 लाख में। तो अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हुआ तो हमारा ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज निल होता है, बट अगर आपने एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर किया जाएगा। सिक्योरिटी की बात करते हैं, शेयर्स, सिक्योरिटी में शेयर्स को भी और डिबेंचर और बॉन्ड, इनफैक्ट बॉन्ड भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो, कोई भी हो, इसको हम सिक्योरिटी का नाम देते हैं, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसे हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। शेयर्स में 3 तरीके का बेसिकली शेयर्स होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बोनस शेयर, राइट शेयर, अदर शेयर। सबसे पहले बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर जब कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है, बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा पड़ा होता है, तो कंपनी क्या करता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग का मतलब पुराने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे देती है। और किस तरीके से, मान लो आपके पास 1,000 शेयर है, कंपनी ने बोला कि हम बोनस देंगे 1:1 का, तो मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर फ्री का मिल जाएगा। यानी आपके पास अभी 1,000 शेयर है, जैसे ही मैंने बोनस शेयर अनाउंस किया कि कल से हर किसी को बोनस शेयर मिल जाएगा, तो आपका शेयर ऑटोमेटिक 1,000 नहीं रहेगा, 2,000 हो जाएगा आपका शेयर, यानी बढ़ जाएगा वो शेयर, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। बस मैं बोनस शेयर की बात करूंगा कि आपके पास जो भी शेयर होगा उसी के बदले आपको फ्री में शेयर, जो आपके 2,000 शेयर हो गए, 1,000 आपके कौन से वाले हैं, पुराने, और 1,000 कौन से हैं, नए। लेकिन उस 1,000 शेयर जो नए वाले आए ना, उसके बदले आप पेमेंट नहीं करोगे, उसके बदले पेमेंट नहीं करोगे, तभी तो इसका नाम है बोनस शेयर। अगर मैं पेमेंट ही कर दोगे तो सिंपल शेयर हो गया वो। तो बोनस शेयर हर एक कंपनी जो है वो हर टाइम टू टाइम पे अगर उसके पास सरप्लस अमाउंट है तो करते रहती है, और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करके ज्यादातर बोनस शेयर इशू किया जाता है। आपके अकाउंट्स में भी एक चैप्टर है बोनस शेयर का पूरा ही, जिसके अंदर आप पूरे इसके लीगल क्या क्या रिक्वायरमेंट है बोनस शेयर को इशू करने के, वो सारी चीजें देखोगे। लेकिन
इनकम टैक्स के अंदर शेयर्स में बोनस शेयर का मतलब है फ्री का शेयर, और ये आपको दो टाइम पे मिल सकता है, या तो आफ्टर 1 और 2 मिल सकता है, या बिफोर 1 और 2। मैं 1 और 2 को क्यों कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्सेशन ही वहीं से स्टार्ट है। तो 1 और 2, 2 अगर आपको आफ्टर 1 और 2 मिलता है, यानी 2001-2 के बाद बोनस शेयर, यानी आज मिल गया तो कौन से कंसिडर में आएगा? आज मिल गया आपको अगर आफ्टर या बिफोर आफ्टर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है निल। मान लो सपोज करो आपके पास 1,000 बोनस शेयर था पहले, और 1,000 बोनस शेयर आपको 10 रुपए का था, अब 1,000 और मिल गया 10 रुपए का, तो टोटल आपके पास कितने का हो गया शेयर? 20,000 का। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं आफ्टर की बात कर रहा हूं, आपका माना जाएगा 1 लाख ही, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ सॉरी, 10,000, 1,000 ले लिया उन्होंने, 10,000 माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपको बोनस शेयर मिला है उसके बदले आपने पेमेंट कहाँ किया है? फ्री में मिला है, तो आपका जो ओरिजिनल पेमेंट किया है वही तो आपका कॉस्ट माना जाएगा, तो आपका 1 लाख माना जाएगा। आपने मान लो 2,000 शेयर बेच दिए 20 रुपए के हिसाब से, तो कितने का बेच दिया? 20 × 2,000 यानी 40,000 का। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानेंगे? पूरे 40,000, क्योंकि पेमेंट तो आपको रिसीव कितना हो रहा है? 40,000। लेकिन वही अगर बिफोर आपको मिले, कब बिफोर? 1 और 2, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बिफोर में तो सारे शेयर का हमें लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल शेयर का। आपके पास सपोज करो 2,000 शेयर था, 2,000 में 2,000 शेयर था 1990 में सपोज करो। अब 2,000 शेयर में मैं बता देता हूं आपको, 1,000 शेयर आपके कौन से थे? बोनस वाले, और 1,000 शेयर कौन से थे? एक्चुअल एक्वायर जो किए थे आपने। तो आपके पास कितने शेयर है टोटल? 2,000। अब मैं जब फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा इंडेक्सेशन के पर्पस के लिए, कब का लूंगा? 2001 और 2। तो 2001 और 2 के अंदर मैं पूरे 2,000 की वैल्यू कंसिडर करूंगा। तो अगर आप बिफोर के केस में हुआ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, अगर आफ्टर का केस हुआ तो मत लेना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद राइट शेयर आता है, राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है कि कंपनी, मान लो कंपनी ने स्टार्टिंग में 1 करोड़ शेयर से अपने आप को ऑथराइजेशन करवाया। कितने शेयर से करवाया? 1 करोड़ शेयर से अपने आप को ऑथराइजेशन करवाया। क्या कंपनी के पास राइट है कि 1 करोड़ एक शेयर इशू कर दे? क्या कंपनी के पास राइट है कि कंपनी 1 करोड़ एक शेयर इशू कर पाए? नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या कंपनी के पास राइट है कि 1 लाख शेयर इशू कर दे? कर सकता है, यानी इसमें से जितना मर्जी कम कर सकता है। सपोज दैट कंपनी ने अभी 1 लाख शेयर इशू किया है, ये मैं बात बता रहा हूं कब इशू किया, 2003 में। लेकिन कंपनी का फिर से लगता है कि 2010 में कि और शेयर 1 लाख इशू करना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी 1 लाख और शेयर इशू कर दे 2010 में? बिल्कुल, क्योंकि 1 करोड़ में से तो अभी बहुत सारे शेयर पड़ा हुआ है। कंपनी 1 लाख रुपए का शेयर 2010 में और इशू करना चाहता है, तो कंपनी का ऑनर कौन है 2003 में? शेयर होल्डर। तो कंपनी जब इशू करेगा तो पहले ऑनर से तो पूछेगा ही, तो इसलिए जो नए वाले मैं शेयर फिर से इशू करने जा रहा हूं कब? 2010 में। सबसे पहले मैं पूछूंगा जिनके पास पहले से शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उससे पूछूंगा कि सर आप हमारी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने जा रहा है, लेकिन पहले आप शेयर होल्डर हो तो आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और साथ के साथ पुराने शेयर होल्डर को ऑफर किया जाएगा और किया जाएगा, ये जैसे 100 रुपए का वैल्यू है लेकिन आपको सिर्फ 90 में देंगे हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, यानी थोड़ा डिस्काउंटिंग प्राइस पे इशू किया जाता है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंटिंग प्राइस। यानी आपके पास अगर शेयर 1,000 है
और उसका भी कुछ ना कुछ रेशियो होता है, 2:1, 3:1। अगर आपके पास 1000 है, सपोज करो मैंने बोला 1:1 में राइट इश्यू आया है, यानी 1000 शेयर अभी आपको और मिल सकते हैं, ले सकते हो आप। अगर आप नहीं लोगे तो ये शेयर मार्केट में 20 रुपए का बिकेगा, लेकिन आपको 15 में ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आपने ले लिया तो राइट शेयर आपने एक्वायर कर लिया, अगर नहीं लिया तो राइट शेयर आपने एक्वायर। तो सबसे पहले बात यहां पे ये है कि हमारा राइट शेयर क्या होता है ये समझो। राइट शेयर किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसी से पूछेगा पहले कंपनी, उससे बिना हम किसी और को इशू करते फिर तो शेयर होल्डर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा ना। वहां पे प्रॉपर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है और बहुत सारे जो भी फॉर्मेलिटी लीगल रिक्वायरमेंट है वो सब कंप्लीट होता है। अब राइट शेयर में क्या होता है कि आपको बोला गया आप ले लो, तो मर्जी आपकी है आप लो या फिर, ऐसा नहीं है कि आप पुराने शेयर होल्डर तो आपको जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। आपकी इच्छा है लो या मत लो। अब मैं राइट इश्यू की बात करता हूं। मान लो कंपनी कंपनी ने क्या करा, राइट इश्यू लेके आई, राइट इश्यू 1000 शेयर, मैं एक बंदे के पास, मैं बता रहा हूं राम के पास, सपोज करो राम के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर। कंपनी ने बोला कि ये शेयर मैं नॉर्मली सोल्ड आउट करूंगा, जो शेयर है नॉर्मली मार्केट में 20 में बेचूंगा, लेकिन राम आपको सिर्फ 18 रुपए में दिया जा रहा है, ये आप लेना चाहते हो तो लो, अदरवाइज हम बाहर बेच देंगे। और कितने का बेचेंगे हम? राम का एक फ्रेंड मान लो मोहन है, मोहन भी इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है कि मैं भी लूं इस कंपनी के शेयर को, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स इतने अच्छे हैं कि ये शेयर्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी ने मना नहीं किया, सिर्फ एक्सेप्ट राम। अब राम ने क्यों मना किया? इसके पैसे ही नहीं है जो ये शेयर को खरीदे इसने, और बकायदा इनको ना लेटर दिया जाता है, एक प्रॉपर लेटर आएगा और लेटर में लिख के देगा कि मिस्टर राम कंपनी ऑफर टू यू राइट शेयर इज टू जो भी है इतने शेयर किया जाता है, अगर आप लेना चाहते हो तो इस लेटर पे लिख के हमें रिवर्ट कर दें। तो जो राम है, राम के पास ऑफर आया है, और जो इसका फ्रेंड मोहन है ये खरीदना चाहता है। राम क्यों नहीं खरीदना चाहता? क्योंकि इसके पास सफिशेंट फंड नहीं है। अगर इसके पास सफिशेंट फंड नहीं है तो राम क्या कर सकता है, यहां पे एक काम कर सकता है, ये अपने राइट्स को बेच देगा सिर्फ जाके। किसको? ये एप्लीकेशन पे लिख देगा सर मैं नहीं ले रहा, लेकिन इस शेयर को दे दिया जाए। किसको? मोहन को दे दिया जाए। तो इसने क्या करा, सिर्फ राइट बेच दिया, लेकिन साथ के साथ मोहन को बोला यार मोहन तुझे तो शेयर लेना था। उसने बोला हाँ यार मार्केट में लेने गया मिला नहीं। बोला कितने का ले रहा था मार्केट में? उसने बोला 20 का। ठीक है तू 20 रुपए का शेयर खरीद लियो ये, लेकिन मैं अपने जब एप्लीकेशन दूंगा तुझे तो तुझे मिलेगा कितने का? 18 का मिलेगा तुझे। जब तुझे 18 रुपए का मिलेगा तो तू खरीदना तो 20 का चाहता था, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से मुझे दे दियो। यानी अगर 1000 शेयर इसे दूंगा मैं तो ये तो खरीद लेगा कितने का? 1000 शेयर मल्टीप्लाई 18। कितने का ले लिया इसने? 18,000 का। लेकिन अगर मार्केट से खरीदता तो कितने का खरीदता? और इसने बोला भाई मुझे 2000 रुपए दे दे फिर। यानी इसने अपने राइट को बेच दिया, राइट बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो जो ये बंदा राम है इसे बोलेंगे रिनाउंसर, और जो इसका फ्रेंड है इसे बोलेंगे रिनाउंसी। तो रिनाउंसी कौन होता है? जो शेयर्स के राइट को खरीद रहा है। और रिनाउंसर कौन होता है? जिसको और मिला है। तो इसने कहीं ना कहीं पैसा कमाया है। कितना पैसा कमाया? इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए क्योंकि शेयर्स हमारा कैपिटल एसेट्स होता है, तो इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले इस 2000 के लिए? इस 2000 को क्या इसने पैसे दे के खरीदा था? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर हुआ था। लेकिन इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो इसने एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है बता सकते हो? 20,000। एक्चुअल कॉस्ट है हमारा
20,000। नाउ एक्चुअल कॉस्ट 20,000 माना जाएगा, क्योंकि 18,000 इसने पेड किया कंपनी को और 2,000 पेड कर रहा है राम को। तो ये माना जाएगा हमारा रिनाउंसर रिनाउंसी। तो देखो राइट शेयर के अंदर क्या होगा, या तो रिनाउंसर होगा या रिनाउंसी होगा। अगर रिनाउंसर है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, और रिनाउंसी के लिए एक्चुअल कॉस्ट पेड। अदर शेयर की मैं बात करूं, अदर शेयर में बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, नॉर्मल फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू। अदर शेयर्स के अंदर या बिफोर हुआ तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, और आफ्टर हुआ तो एक्चुअल कॉस्ट होगा। अदर शेयर्स मतलब राइट इशू और बोनस शेयर को छोड़कर शेयर्स ही होंगे, वो नॉर्मल शेयर जो आपको मिल रहा है अगर उसे बेचते हो। इसके बाद मैं डिबेंचर की बात करता हूं। सिक्योरिटी दो टाइप के थे, शेयर्स, शेयर्स में तीन कैटेगरी कर दिया, बोनस शेयर, राइट इशू एंड अदर शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर के लिए जब हमेशा याद रखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन यहां इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। यानी आपने 10 लाख रुपए का अगर डिबेंचर खरीदा है 2000 में और 2010 में बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो खरीदने के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लेते हैं, लेकिन यहां पे कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। हेलो, ऊपर ही है किसका, उसका वहां पे होगा, उसका कहते हैं फ्रिज में होगा मेरे ख्याल। हाँ तो राइट शेयर में दो पार्ट है, रिनाउंसर, रिनाउंसर पता चला कौन होता है, राइट्स को बेचता है, और रिनाउंसी राइट्स खरीदता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये होता है। रिनाउंसर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज टेकन एज ए निल, क्योंकि उसने किसी को पेमेंट नहीं किया। लेकिन रिनाउंसी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डबल आ जाता है, एक कंपनी को पेड कर रहा है वो, और एक जो रिनाउंसर को पेड कर रहा है वो, दोनों जोड़कर। इसलिए मैंने बोला यहां पे इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18,000 नहीं माना जाएगा, क्योंकि दो इसको भी पेड किया तो 20,000। अदर शेयर्स के अंदर बिफोर में फेयर मार्केट वैल्यू, आफ्टर में एक्चुअल कॉस्ट, और कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। डिबेंचर के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। अगर आपने 10 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा है और आपने 20 लाख का बेच दिया 10 साल बाद, तब भी पता है कैसे निकालूंगा, सिंपल 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन। लेकिन कोई अदर एसेट्स होता तो 20 लाख का बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन सेलिंग, और देन आपका जिस साल आपने बेचा है, खरीदा है, इंडेक्सेशन, वो इंडेक्सेशन यहां पे अलाउड नहीं होगा। लास्ट आता है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, लैंड आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, और भी बहुत सारे एसेट्स आ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपका फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गया एंड एक्सेट्रा। यानी इन दोनों एसेट्स को छोड़कर बाकी बचे हुए टोटल ऑल एसेट्स। लेकिन एक एसेट्स का मैं यहां पे डिस्कशन नहीं करूंगा, डेप्रिशिएबल एसेट्स का, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा डेप्रिशिएबल एसेट्स का कैसे निकाला जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है कैपिटल गेन में। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ऑल्सो इंक्लूडेड। मैं यहां पे मेनली लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड, इनकी बात करूंगा यहां पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप बिफोर खरीदते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा आपका, ये मैंने अच्छे से आपको पहले ही लिखवा दिया, और आफ्टर खरीदते हो तो एक्चुअल ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 2001 और 2 से पहले खरीदोगे तो हमें मार्केट वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा 2001 और 2 वाले दिन का, उसी के हिसाब से सारा काम होगा। लेकिन आफ्टर खरीदेंगे तो हमारे पास इंडेक्सेशन अवेलेबल है, तो कुछ भी हमें अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम किसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट और इंडेक्सेशन को उस पर अप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो सिक्योरिटी वाला, शेयर्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस है, नहीं तो आपके ये आता है सिंपल। बस आपको पता होना चाहिए था सेक्शन 55 में क्या लिखा है। ऐसे ही सेक्शन 55 बी के अंदर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में, कि इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए, वो अलग अलग केसेस बनाए हुए हैं। तो पहले अब जिसका जो पेंडिंग है ये फटाफट से नोट कर लीजिए, आप कर लिया सबने नोट,